और कितनी पीछे बन रही है 11.5 सेंटीमीटर विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 13.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास जो है मिरर वो कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है तो क्या कहता है कि स्टैचू का फासला कितना है पी हमने मालूम करना है तो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 over P plus 1 over Q 1 over minus 13.5 is equal to 1 over P minus 1 over 11.5 अब ये वाला इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा 13.5 is equal to 1 plus 1 over 11.5 is equal to 1 over P तो 1 ओवर आपका p जो है ये आ जाएगा 1 ओवर 11.5 माइनस 1 ओवर 13.5। अब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो वो आ जाएगा 155.25 ये इस साइड पे आ जाएगा 13.5 माइनस 11.5 तो 2 ओवर 155.25 ये बराबर है 1 ओवर p के। जब p करेंगे तो ये दोनों भी उल्ट हो जाएंगे तो 155.25 डिवाइडेड बाय 2 तो आपकी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77.62 सेंटीमीटर। तो ये आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आज के अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। एक्चुअली अब हम करने जा रहे हैं 12.6 का ए पार्ट जो है उसके अंदर वो कह रहा है एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 8.7 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर और पी की वैल्यू 19.3 सेंटीमीटर है। मालूम क्या करना है फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। हमने लोकेशन मालूम करनी है, क्यों मालूम करना है और हाइट ऑफ इमेज मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यों मालूम कर लेंगे 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q 1 ओवर 8.7 इज इक्वल टू 1 ओवर 19.3 प्लस 1 ओवर q तो 1 over q is equal to 1 over 8.7 minus 1 over 19.3। जिस तरह हमने पांचवें न्यूमेरिकल में ये हल किया था उसी तरह आपने इसमें भी हल कर लेना है क्योंकि वैल्यू हमारे पास आती है इस न्यूमेरिकल के अंदर 15.84 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने जो दूसरी चीज मालूम करनी है वो है हाइट ऑफ इमेज। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास मालूम करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 15.84 सेंटीमीटर, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 19.3 सेंटीमीटर और हमारे पास जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है 13.2। ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 10.83 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका पार्ट ए था जो कि सॉल्व हो चुका है। दो चीजें मालूम करनी थी, एक हमने क्यों मालूम करना था और दूसरा हमने हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी थी। इसका जो पार्ट बी है उसके अंदर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज।
इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका फासला दो गुना कर दिया जाए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का पहले है हमारे पास डिस्टेंस 19.3 है, तो इसका अगर हमारे पास फासला दो गुना कर दिया जाए तो फिर आपके पास आपकी कितनी होगी। तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास p की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 19.3 38.6 सेंटीमीटर है, और हमारे पास f सेम रहेगा 88.7 सेंटीमीटर। हमने मालूम क्या करना है, q 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q, से उसी फार्मूले से जिस तरह हमने पहले मालूम किया है ये वाला, आप यही फार्मूला लगा के आप यहां से q फाइंड कर लेंगे तो q की वैल्यू तक कितनी आएगी, हमारे पास q की वैल्यू आएगी 5.41 सेंटीमीटर। क्योंकि वक्त हमारे पास शॉर्ट होता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम तमाम चीजों को मुकम्मल तौर पर आपको बता सके, लेकिन इतना हमारी कोशिश जरूर होती है कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो ये हमारा मेडिकल साल हो चुका है, हम अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट मेडिकल की तरफ। अगर ये हमारा मेडिकल नंबर 2.7 है आगे नेक्स्ट, नबीला यूजेस द कॉनकेव मिरर व्हेन डूइंग द मेकअप। अच्छा जी, वो मेकअप कर रही है, कॉनकेव मिरर यूज कर रही है, द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 13.38, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 38 सेंटीमीटर। तो यहां से हम f मालूम कर सकते हैं, f रेडियस का हाफ होता है, तो f की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। इसके बाद व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ कितनी होगी, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा, ये फोकल लेंथ हमने मालूम कर ली इधर 19 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है कि नबीला जो है इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, नबीला का फासला जो है मिरर से वो 50 सेंटीमीटर है। Where will her image appear? उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? क्यों हमने मालूम करना है? और एक चीज और पूछ रहा है, will the image be upright or inverted? कि इमेज अपराइट होगी, सीधी होगी या इन्वर्टेड होगी? तो f तो हमारा पहले ही मालूम हो चुका है, f की वैल्यू हमारे पास 19 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसके बाद सिंपल हम 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q, तो 1 over 19 is equal to 1 over 50 plus 1 over q, तो 1 over q की वैल्यू आ जाएगी 1 over 19 minus 1 over 50। इसको आपने एलसीएम लेकर सॉल्व आउट कर लेना है, इसका आपके पास आंसर आता है 30.64 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आया है, तो जब आंसर पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब है कि आपकी इमेज जो है वो सीधी बन रही है, अपराइट बन रही है। तो उम्मीद है आपको ये मेडिकल समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं आज के अपने आखिरी मेडिकल की तरफ। इसके बाद आज का हमारा आठवां मेडिकल है, यानी आज का मेडिकल नंबर 4 है, वैसे टोटल आठवां मेडिकल है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इस प्लेस्ड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस कितना है उसका 12 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। आप देखिए कन्वेक्स है लेकिन लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, हमने मालूम क्या करना है, क्यों मालूम करना है, तो क्यों मालूम
करने के लिए हमारा लेंस फार्मूला लगेगा, 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर क्यूब, 1 ओवर 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 12 प्लस 1 ओवर क्यूब, 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर 12 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यूब, 1 ओवर q इज इक्वल टू 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर 12। इधर आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर सॉल्व आउट करेंगे तो q की वैल्यू आपके पास आती है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 3। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास मालूम करनी है हमने, क्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर, पी हमारे पास 12 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद और पूछ रहा है कि एक चीज और पूछ रहा है, विद द इमेज स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज की नेचर बयान करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्योंकि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इमेज हमारा रियल होगा। उसके बाद आपकी पी की वैल्यू 12 थी, क्यू की वैल्यू 24 आई है तो हमारा जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होगा यानी बड़ा होगा, तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये सात उसकी हमने नेचर रूल की बता दी थी। तो ये आज का हमारा आखिरी मेडिकल था, मेडिकल नंबर 12.8। आज भी हमने चार मेडिकल किए, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।